हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में नंबरिंग ऑप्शन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। पहली नंबरिंग की सीडी में आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ बताई थी। कल के स्टेप टू में आपको मैंने कुछ और चीज़ें बताई थी बुलेट्स वगैरह के सेटिंग करने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको नंबरिंग स्टेप थ्री में आपको कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप बुलेट में अगर जब बनाते हैं, आप यहाँ से नंबर डिफाइन नंबरिंग के बारे में मैंने बताया था। डिफाइन नंबर फॉर्मेट पे आप यहाँ काका यूज़ कर सकते हैं वगैरह 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 का। और इसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं नंबरिंग, ये सब मैंने बताया था कि नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ काका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे दिख रहा काका, ये सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बताई थी। और फिर बुलेट का यूज़ बताया था, इसमें चेंज डिफाइन न्यू नंबर बुलेट्स पे का बताया था, यहाँ से जाके सिंबल का यूज़ और पिक्चर्स का यूज़ मैंने बताया था, जिससे बुलेट आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर दें तो ये बुलेट जो भी आप लेंगे वो सा बुलेट बनेगा, यानी पॉइंट्स बनेंगे एक बुक का या अपनी फ़ोटो का या कुछ भी। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, दो वीडियोस हैं उसको भी देखें। और फिर यहाँ पिक्चर का मैंने यूज़ बताया था, ये पिक्चर अपनी गैलरी से बुलेट की जगह आप पिक्चर अपनी पिक्चर बुलेट में लगा सकते हैं, बुलेट में, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और इस तरीके सारी सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज लिस्ट लेवल डिफाइन नंबर, ये चीज़ें मैंने आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स में बताया था, तो पिछली वीडियो इसके बारे में देख लें आप। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं चेंज लिस्ट लेवल, ये क्या होता है? ये चेंज लिस्ट लेवल ये होता है कि बुलेट्स के लेवल अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, अब जो पॉइंट आना चाहिए वो इस 3 के बराबर नहीं आना चाहिए, बल्कि 3 के अंदर आना चाहिए। और इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए 4 को हम मिटाएंगे पहले, फिर मिटाने के बाद हम बुलेट पर क्लिक करेंगे, जिससे ये बुलेट यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से बुलेट ये अंदर बन गया, ये बुलेट के बारे में आपको मालूम ही है। यहाँ पर आप बुलेट पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली, ये बुलेट्स बन जाएंगे। इस पर हमने लिखा यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, लेकिन अब महाराष्ट्र में हमें जुहू चौपाटी वगैरह भी लिखना है, तो वो बुलेट्स जो हैं, जैसे कि वो बुलेट्स जो पॉइंट बनेंगे वो इसके अंदर बनेंगे, इसके सबॉर्डिनेट होंगे, ये इसके अंडर हैं और ये इसके सबॉर्डिनेट अंदर बनेंगे इसके। जिस तरीके से 3, 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा सा हटकर ये बुलेट्स बने, उसी तरीके से महाराष्ट्र में जो हमने जूही चौपाटी लिखनी है, ये थोड़ा सा इसके सबॉर्डिनेट हैं, इसलिए इसके अंदर बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज, इसी चीज को सेट करने के लिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे बुलेट यहाँ बन गया। अब जूही चौपाटी के लिए अंदर बनना चाहिए, इसी के लिए सेटिंग है आपकी, यहाँ पर क्लिक करेंगे बुलेट ऑप्शन पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है चेंज लिस्ट लेवल में जाएंगे। चेंज लिस्ट लेवल से आप यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा ना, ये आपका ये मेन बुलेट पॉइंट है, उसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से ये यहाँ पर है और ये यहाँ अंदर है, तो इसके बीच में ये थोड़ी सी गैप है, तो ये इस गैप पर जब इस पर आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक करते यहाँ सेकंड, देखिए यहाँ से मैं बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे आप जाएंगे इस पे और यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल में जाएंगे, और चेंज लिस्ट लेवल से होते हुए आप ये सेकंड पोर्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। इस ये पॉइंट है आपके बुलेट्स हैं और ये सबॉर्डिनेट बुलेट है ना, इस पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा, ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक पॉइंट बनना, यानी इसके अंडर शो करेगा कि ये इसके अंदर है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, उसके भी अंदर कुछ हो तो ये यूज़ करें, उसके भी अंदर यू हो तो ये यूज़ करें। अच्छा, मान लीजिए यहाँ के बाद फिर से कोई चीज़ इसके अंदर दिखानी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर उसी तरीके से यहाँ से लिस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते देखिए ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट में अब आपको जो भी लिखना है, महाराष्ट्र के अंदर जो है मुंबई होना चाहिए था, लेकिन मैंने जुहू चौपाटी लिख दिया गलती से, इसके अंदर मुंबई और तमाम शहरों के नाम होना चाहिए था, खैर महाराष्ट्र में ही जुहू चौपाटी, मुंबई में ही सही। तो ये जुहू चौपाटी मान लेते हैं, मुंबई आप इसको महाराष्ट्र को मान लें, तो मुंबई है, मुंबई के अंदर ये जो जुहू चौपाटी है, और इसके अंदर इस तरीके से सबॉर्डिनेट जो लिस्ट डिफाइन लिस्ट लेवल्स थे, ये मैं बताना था मुझे आपको। और इस वीडियो में ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, फिर उसके अंडर में ये यूपी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, और इंडिया के अंडर में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में
ये जुहू चौपाटी वगैरह, और इसके अंदर भी आप करना था तो आप आगे का यूज डिफाइन नंबरिंग लेवल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल करेंगे, ये चेंज लेवल लिस्ट लेवल है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। और अगर आपको फिर से मान लीजिए यहाँ जुहू चौपाटी के बाद फिर से महाराष्ट्र में कुछ दिखाना है, महाराष्ट्र में आपको कुछ दिखाना है, तो आप फिर से इस बुलेट का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बात समझ में आएगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ का है, ऑफिस में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें बहुत कम ध्यान देते हैं लोग अक्सर करके, इस पर ध्यान देना है। और इस वीडियो को बार बार देखिए। साथ में मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक अपने प्ले जो लिस्ट है प्ले लिस्ट है उसमें एक इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक चीज़ वीडियोज़ जोड़ी हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं और उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास शुरू किया हुआ है। तो उस चैनल पे जाएं, देखें, आपको चैनल पसंद आए तो आप उसको उनको सब्सक्राइब करें, इंग्लिश क्लासेस भी करें, कंप्यूटर भी करें, इंग्लिश क्लासेस भी करें, क्योंकि आज के दौर में जितना आपके लिए कंप्यूटर मस्ट हो गया उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग भी आपके लिए मस्ट है। आज के दौर में हर जगह आपकी इंग्लिश मांगी जाती है, स्पीकिंग मांगी जाती है, कंप्यूटर मांगा जाता है, दोनों चीज़ें पैरेलल है। तो आप इनको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको भी देखें, और उनकी वीडियो डे बाय डे आती रहती हैं, सारी वीडियोस देखते रहें। और बाकी ये मेरा भी सेंटर है, ये यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेज मैं चलाता हूँ ये सारे कोर्सेज हैं, और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी क्लासेज आप कर सकते हैं, और दोनों में बस इतना ही सा है कि आप उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, समझें प्रॉब्लम्स को, उसको बार बार करें तो बात समझ में आ जाएगी। और ऑफलाइन क्लास में बस ये है कि हम डायरेक्टली आपको थोड़ा सा टीच कर सकते हैं, वही चीज़ आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो उसमें भी आप कर सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस करें तो वीडियो देखने का फ़ायदा आएगा। तो ये कोर्सेज तमाम है, टैली, बिजी, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, वैसे आगे चल के मैं इन सब की वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी उसमें टाइम है। फिलहाल आप ये देखते रहें और शेयर और लाइक करें, और बाकी ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय।